आज हम एक ऐसी छोटी कंपनी के बारे में जानकारी लेके आए हैं जिसमें आपको 14 मार्च के दिन ध्यान रखना होगा। इस कंपनी के बारे में हम पूरी जानकारी आपको बताते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एंजल वन एप्लीकेशन पे आना होता है। यहाँ जैसे आते हैं आप, तो आपको यहाँ वॉचलिस्ट के ऊपर क्लिक करना है और इस स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कर लेना है। इस कंपनी का नाम है होडको। यहाँ स्टॉक को आपको अपनी वॉचलिस्ट में रखना है। इस कंपनी में 14 मार्च के दिन अनाउंसमेंट आने वाला है बोर्ड की तरफ से, यहाँ पे डिविडेंड को लेके बात होने वाली है। तो जैसे इस स्टॉक में ये खबर आएंगी तो खबर के चलते स्टॉक में अच्छे खासे अपसाइड भी हमें देखने को मिले हैं। स्टॉक में 2.5% के आसपास की तेजी फ्राइडे डे के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली थी। ऐसे में स्टॉक का हम यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिलता है कि कंपनी में जो सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, यहाँ फाइनेंस एंड हाउसिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी का मार्केट कैपिटल 9213 करोड़ का है। वन ईयर में इसने 35.43% का धमाकेदार रिटर्न दिया है। अपने सेक्टर में इसने 16.72% का रिटर्न दिया है और मार्केट में 8.54% का रिटर्न दिया है। इसके साथ ही हम यहाँ पे फंडामेंटल रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ कंपनी का पीई रेशियो 5.09 पे बना हुआ है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.64 पे है। साथ ही डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये डिविडेंड देने के लिए जानी जाती है कंपनी है कि छोटा स्टॉक है जो अपने शेयर धारकों को अच्छा खासा डिविडेंड देता है। इसके डिविडेंड यील्ड जो है ये 7.39% के दमदार डिविडेंड यील्ड है। कंपनी का आरओसी ही देखें तो 9.04% पे बना हुआ है। आरओई 12.09% पे बना हुआ है। अब हम एक नज़र इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न पे डालते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो दिसंबर से लेके सितंबर क्वार्टर का है। तो इसमें आपको प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिलेंगी कि प्रमोटर ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को एज इट इज़ रखा। प्रमोटर के पास यहाँ पे अच्छी खासी होल्डिंग है जो 81.81% की है। FIIs के पास यहाँ FIIs ने अपनी यहाँ पे होल्डिंग को घटाया हुआ है, जो 0.12% की होल्डिंग को कम किया है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को 0.22% से कम किया है और इंश्योरेंस कंपनीज ने 0.03% की होल्डिंग को कम किया है। अदर DIIs ने 0.04% से अपनी होल्डिंग को कम किया है। वही नॉन इंस्टीट्यूशन ने 0.41% से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। इसके साथ ही अगर आप इस कंपनी में डिविडेंड के लिए आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या आप इस न्यूज़ के बेस पे इस स्टॉक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो एंजल वन एप्लीकेशन पे आपको यहाँ बाय की बटन देखने को मिलती है। इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर आप जितनी भी क्वान्टिटी लेना चाहते हैं, आप यहाँ पर 1000 क्वांटिटी लेना चाहते हैं तो जो अमाउंट आपको लगने वाला है यहाँ आपको देखने को मिलता है 46,030 रुपीज़ लगेगा। लेकिन एंजल वन की शानदार फैसिलिटी MTF का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 2x तक के मार्जिन मिल सकता है। यानी कि अगर हम इसको यहाँ चेकमार्क के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि यह स्टॉक सिर्फ आपको 15,765 रुपीज़ में बाय हो जाएगा 1000 क्वांटिटी। दोस्तों MTF फैसिलिटी में आप तभी काम कीजिए जब आपके पास टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आपका स्ट्रांग है, तभी आपको इसमें काम करना चाहिए। और यहाँ पर एंजल वन आपको अच्छी खासी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। 10,000 तक का अगर आप ब्रोकर से मार्जिन लेते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। लेकिन अगर आप 10,000 से ऊपर का अगर आप मार्जिन लेके काम करते हैं तो आपको पर लाख के ऊपर आपको 49 रुपीज़ पर डे का आपको यहाँ इंटरेस्ट पे करना होता है। इसके बाद यहाँ नीचे दिए गए बाय बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे हम क्लिक करते हैं बाय बटन पे तो यहाँ कंफर्म का ऑर्डर पूछता है। ऑर्डर कंफर्म होने के बाद अभी मार्केट क्लोज हुआ है इसलिए यहाँ पे हमें एडवांस ऑर्डर लगाना होगा। हम यहाँ यस बटन पे प्रेस करते हैं तो हमारा यहाँ ऑर्डर सबमिट हो जाता है। हमारा ऑर्डर जो है ये ऑर्डर बुक में ऑटोमेटिक आ जाता है तो आपको यहाँ देखने को मिलता है। जैसे ही मार्केट ओपन होगा या ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पोर्टफोलियो में पहुँच जाएगा। अभी मार्केट में जो शानदार तेजी दिख रही है और डिविडेंड की जो न्यूज़ इसमें आ रही है उसके कारण हमें इस कंपनी में एक अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिहाज से आपको यह स्टॉक आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और स्टॉक मार्केट से लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।